केवड़िया एकता ऑडिटोरियम खाते नर्मदा जिला पोलिस द्वारा एक सेमिनार योजायो हतो। नर्मदा ना केवड़िया एकता ऑडिटोरियम खाते नर्मदा पोलिस द्वारा EFIR अंगेनी माहिती पूरी पाड़वा माटेना सेमिनारनो आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमां उपस्थित शाळा तेमज कॉलेजना विद्यार्थीओ तथा आसपासना गामना आगेवानो नर्मदा SP प्रशांत सुबे द्वारा EFIR अंतर्गत विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। नागरिकोने EFIR अंगे विस्तृत माहिती मळी रहे ते हेतुसर पोलिस विभाग द्वारा आ सेमिनारनो आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमां केवड़िया विभागना नायब पोलिस अधीक्षक वाणीबेन दुधात तथा केवड़िया ऑथोरिटी विभागना ऋतु राबा સાથે નર્મદા જિલ્લા પોલીસ હાજર રહી હતી। આ સેમિનારનો હેતુ એ હતો કે EFIR ઓનલાઈન થકી વાહન ચોરી કે મોબાઈલ ચોરી અંગે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકાશે તથા આ FIR નોંધાયાના 48 કલાકમાં પોલીસ ફરિયાદીનો સામેથી સંપર્ક કરશે અને વાહન ચોરી તેમજ મોબાઈલ ફોન ચોરીના બનાવતી જગ્યાએ મુલાકાત લેશે, તેમજ 21 દિવસની અંદર જ તપાસ પૂર્ણ કરી કોર્ટમાં રિપોર્ટ મોકલશે। નમસ્કાર, મેં પ્રશાંત સુંબે SP નર્મદા। ગુજરાત પોલીસ કી તરફ સે EFIR સેવા કા શરૂઆત કી ગઈ હૈ, જિસકે અંદર મોબાઈલ ચોરી યા વાહન ચોરી કા અગર કોઈ ભી ગુનાહ કહીં પે બનતા હૈ તો આપ સિટીઝન ફર્સ્ટ મોબાઈલ એપ કે થ્રુ અથવા વેબસાઇટ કે થ્રુ EFIR की नोंद कर सकते हैं और उसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपको उसके तपास अधिकारी के बारे में पता चलेगा और उसके अगले 48 घंटे के अंदर आपको अगर वो FIR वो जो आपकी EFIR है वो सही है तो उसके ऊपर फिजिकल FIR भी दर्ज की जाएगी। अगर इन 72 आवर्स के अंदर अगर एक्शन नहीं होती है तो वो आगे ऊपरी कक्षा DYSP के पास और बाद में SP कक्षा के ऊपर भी आएगा। मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों के पास पहुंचने के और लोगों को सहूलियत देने की ये जो सेवा है, जो इनिशिएटिव है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में FIR रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सेवा का इस्तेमाल करिए और हमें सहकार्य करें।